हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के डेली क्लास सीरीज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स का टॉपिक है ये आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैट्रिसेस को। तो इस वीडियो में हम 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे है। हमें क्या दिया गया है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल दी गई है और हमें इस क्वेश्चन में वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, सबसे पहली कंडीशन। तो इसके इसका हमें ऑर्डर मालूम है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें मालूम है 2/2। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन जो है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है a11 एलिमेंट के सेम होना चाहिए, यानी कि यहां से 3y-x=5 होना चाहिए। दूसरी चीज a12 के सेम होना चाहिए, यानी कि -2x = -2 होना चाहिए। फिर ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये है, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये भी है। तो अब हम यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें दो इक्वेशन मिल गई है, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई है हमें +1। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। फिर x की ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें, अगर x की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें 3y-1=5, यानी कि 3y = 6, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2। तो हमसे इस क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी गई थी, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी हमें और y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दो में हमें दिया गया है इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है 3x-1 2x+3 x+2 और इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें बेसिक कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पता होनी चाहिए क्या होती है। एक मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, यानी एक मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो यही कंडीशन हम यहां पे लगाएंगे, इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के इक्वल कर देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक दे रखी है। तो 3x-1 2x+3 और x+2 यहां पे कितना है हमारा 2, फिर इक्वल हो जाएगी ये इसके ट्रांसपोज के। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का तरीका है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम यानी x-1, सेकंड जो रो है 2x+3 ये बन जाएगा सेकंड कॉलम यानी x+2। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो 3 के इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि a12 को इसके इक्वल कर दें, अगर हम x-1 को इक्वल कर दें 2x+3 के, तो हमें यहां से मिल जाएगा, यहां आ जाएगा -1-3, यहां आ जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। तो हमसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई थी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई थी, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ xy और z की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है 4x-z 2+y xz = हमें दे रखी है 4 3-1 और ये दे रखी है 10, और
इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है x की वैल्यू दी गई है -5, y की वैल्यू दी गई है 3, z की वैल्यू दी गई है 2। फिर बी हमें दिया गया है, बी दे रखा है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू दी हुई है 2। फिर सी हमें दिया गया है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू -2। और डी हमें दिया गया है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू -2। ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, यानी 4-4 के इक्वल है। x माइनस जेड हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, x माइनस जेड इक्वल टू 3, एक इक्वेशन। दूसरी, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। और तीसरी जो है x z इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से सीधा हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू अगर हम निकाल लें, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। यानी कि अगर हम ऑप्शन से देखें अब, तो y की वैल्यू -3 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, यानी दो ही ऑप्शन है जिसमें y की वैल्यू -3 है। अब हमें ऑप्शन बी और डी में से फाइंड करना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अगर बी ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो बी में एक्स कितना दिया गया है 5 और जेड कितना दिया गया है 2। तो हम 5 और 2 अगर इसमें रख के देखें, तो 5 × 2 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 × 2। तो एक्स और जेड की वैल्यू 5 × 2, यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दी गई है, ए आई जे 2×2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है, और जिसमें ए आई जे हमें दिया गया है आई प्लस जे के इक्वल, देन ए इज इक्वल टू। तो ए मैट्रिक्स पूछी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले 2×2 ऑर्डर की एक जर्नलाइज मैट्रिक्स लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे जर्नलाइज फॉर्म में, जो कि होगी A1, यानी दो रो होंगी, दो कॉलम होंगे, A11, A12, ये होगा A21, ये होगा A22। यानी ये 2×2 फॉर्म की एक मैट्रिक्स है। अब हमें A11, A12, A21, A22 निकालने हैं, यहां पर वैल्यू पुट करनी है और तब हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको निकालने के लिए हमें Aij दिया गया है, Aij हमें दिया गया है आई प्लस जे। तो अगर हम A11 निकालना चाहें, A11 का मतलब है i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा हमें 2। फिर हमारे पास A12 हमको निकालना है, A12 निकालना है, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1 और j की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी मिल जाएगा 3। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A21 अगर निकालेंगे, तो i की वैल्यू है हमारे पास 2, j की वैल्यू है 1, तो मिल जाएगा ये भी हमें 3। फिर उसके बाद A22 अगर हमें निकालना है, A22 i की वैल्यू हो जाएगी 2, j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 4। अब ये वैल्यू इस मैट्रिक्स में हम रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2, 3, 3 और 4, तो हमें मिल जाएगी मैट्रिक्स ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, पांचवा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमें दिया गया है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स का यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, x − y + 2z = 7, फिर 3x + 4y − 5z = −5, फिर दिया गया है 2x − y + 3z = 12। अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके, ये मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये कुछ इस फॉर्म में है, x = ab फॉर्म में, ये
ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में है, तो हमें यहां से एक्स वाई जेड निकालना है, तो मतलब हमें x निकालना है और x हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, a का इनवर्स निकालना होगा और b से मल्टीप्लाई करना होगा और x मैट्रिक्स के इक्वेट कर देना होगा। तो पहले हमें ये a b और x लिखने हैं इस मैट्रिक्स में। तो पहले हम लिखते हैं a क्या है, a हमें दिया गया है इस एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट है यानी 1 -1 2, फिर इसमें है 3 4, यहां पे है -5, फिर यहां पे है 2 -1 3, फिर उसके बाद एक्स हमारे पास है, एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर बी हमारे पास हो जाएगा, बी हमारे पास है 7 -5 और ये है 12। तो ए एक्स बी हमें मिल गए हैं, तो हमें एक तरीके से ए इनवर्स निकालना है, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले हम यहां से ए डिटरमिनेंट चेक करेंगे, तो अगर ए डिटरमिनेंट हम यहां से चेक करते हैं, तो ए डिटरमिनेंट चेक करने के लिए यहां से आ जाएगा 1, फिर इसको छोड़ देंगे यानी कि 12 -5 आ जाएगा 7, फिर माइनस, फिर माइनस, ये माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा 19, और फिर आ जाएगा यहां से कितना +2 और ये आ जाएगा -3 और -8 यानी कि ये हो जाएगा -3 और -8 -11। तो ए डिटरमिनेंट हमें इस मैट्रिक्स का मिल जाएगा 7 +19 -22 यानी कि 7 माइनस का हो जाएगा 3 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए डिटरमिनेंट हमें मिल गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम और जब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा। अब हमें उसको निकालना है, तो हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें ए का डिटरमिनेंट मिल चुका है, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया है, ए का डिटरमिनेंट आया है यहाँ पे 4, और अब हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट निकालने के लिए निकालने होंगे सब कोफैक्टर्स। तो इसका पहले एडजॉइंट निकालते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमें दी गई है ये, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकाल लें, इसके सब कोफैक्टर निकाल लेते हैं, यानी सबसे पहले निकालेंगे C11। तो C11 अगर निकालें तो कितना आएगा, 12 -5 आ जाएगा 7, C11 मिल गया। फिर इसी तरीके से C12 निकालेंगे, C12 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और +10 आ जाएगा 19, लेकिन C12 1 + 2 का सम हमारे पास और है तो ये आ जाएगा -19। फिर उसके बाद C13 निकालेंगे, C13 अगर निकालें तो ये आ जाएगा -3 और -8 यानी कि -11। फिर इसी तरीके से निकालेंगे C21 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और +2 यानी कि -1, लेकिन 2 और 1 का सम और है तो इसको हम कर देंगे प्लस, यानी C21 आ जाएगा 1। फिर इसी तरीके से निकालेंगे C22 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 3 -4 यानी कि -1। फिर निकालेंगे C23 हमारे पास आ जाएगा -1 और +2 यानी आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। फिर इसके बाद हो जाएगा C31 हो जाएगा यहां से 5 -8 -3। फिर हो जाएगा C32 अगर निकालें तो यहां पे आएगा हमारे पास -5 और -6 यानी कि -11 यानी कि +11। फिर हो जाएगा C33 हमें मिल जाएगा 4
और प्लस 3 7। तो हमने इसके सबको फैक्टर निकाल लिए हैं, C11, C12, C13 सबको फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। अब इन कोफैक्टर को निकाल के इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो इसका एडजॉइंट मिल जाएगा, यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की फॉर्म में, पहले इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 19, फिर आएगा माइनस का 11, फिर आएगा 1, फिर आ जाएगा माइनस का 1, फिर आ जाएगा माइनस का 1, फिर आ जाएगा माइनस 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे 11 और ये आ जाएगा 7। सबको फैक्टर को हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लिखें तो होगा जो एक फैक्टर आए इनका ट्रांसपोज लेंगे, यानी आ जाएगा 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर माइनस का 3, फिर आ जाएगा 11 और ये 7। और अगर इस एडजॉइंट को हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, यानी कि अगर यहीं से मैं इसी को लिखूं, ए इनवर्स अगर यहां से लिखना चाहें तो ए इनवर्स हो जाएगा, जो ये एडजॉइंट है इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया यानी कि बाय 4। अब हमें ए इनवर्स भी मिल चुका है, बी हमारे पास है और एक्स मैट्रिक्स भी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी अगर लिखेंगे तो यहीं से लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी x की जगह यहां पे लिख देंगे हम, x की जगह लिख देंगे x y z, ये लिख दिया, और a इनवर्स ये हो गया हमारे पास, इंटू b लिख देंगे तो b हमारे पास है 7 माइनस 5 और ये है 12। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वेट कर देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन करके आएगा मैट्रिक्स ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि 49 ये आएगा, 49 माइनस का 5 और माइनस का 36 ये आ गया, फिर यहां से आएगा यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस 19 इंटू 7 ये हो जाएगा माइनस का 133 यानी कि माइनस का 133। फिर यहां से आएगा हमारे पास प्लस का 5 और फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा 132। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 77, फिर ये आएगा प्लस का 5, फिर ये आएगा 84 और सबके डिवाइड बाय क्या है 4 है। तो फिर उसको हम सोल्व करते हैं, यहां लिखेंगे इसको, अगर हम सोल्व करें यहां पे लिखेंगे इसको सोल्व करके तो ये आ जाएगा 8, ये आ गया 8, यहां पे आएगा हमारे पास 4 और यहां पे आएगा हमारे पास 7 प्लस 5 यानी कि 12 और डिवाइडेड बाय पूरे के क्या है 4 यानी कि आ जाएगा 2 1 3। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमें मैट्रिक्स का यूज करके इस सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू आ गई 3। थैंक यू।